मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं नॉमिनेशन के ऊपर। नॉमिनेशन किसका? अभिकर्ता का। नॉमिनेशन किनका? हमारे एजेंट भाइयों का। दोस्तों इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों को और भी ज्यादा इस बात के प्रति जवाबदेह बना दिया है कि हम सबको अपने ग्राहक के साथ साथ में अपने एजेंसी में भी नॉमिनेशन को चेक कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए और कोई छोटी मोटी करेक्शन है तो उसको यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए। दोस्तों बड़े दुख के साथ में आपको सूचना देना पड़ रहा है कि हमारे नॉर्दर्न जोन में लगभग 20 से 22 हमारे अभिकर्ता मित्र इस कोरोना की महामारी में हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों इस दुख की घड़ी में भी ये मुझे सूचना देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों मृत्यु तो जीवन का सत्य है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए मित्रों आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर आप भारतवर्ष में किसी भी हमारे शाखा में अभिकर्ता हैं तो आपसे प्रार्थना है मेरा कि आप यथाशीघ्र अपने एजेंट रोस्टर को चेक करें और उसमें इस बात का आप चेक करवा लें कि आपका नॉमिनी कौन है, आपका नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया है तो मित्रों आपसे ये निवेदन रहेगा कि जो मैं फॉर्म आपको दे रहा हूं ये फॉर्म आप भर करके यथाशीघ्र आप अपने ओएस डिपार्टमेंट में, ऑफिस सर्विसेज डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में जमा करें और सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारीगण होंगे वो यथाशीघ्र आपके प्रोफाइल में इस नॉमिनेशन को अटैच कर देंगे, जिससे कल हो के भगवान न करे किसी हमारे मित्र को अगर इस दुनिया से जाना भी पड़े तो उनका पूरा का पूरा जो एजेंसी बेनिफिट है वो उनके नामित नॉमिनी को मिल जाए। तो दोस्तों आइए मैं चर्चा करता हूं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म का नाम है फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जारी किया गया। नंबर एक में लिखा है सबसे पहले आपका नाम लिखना है, इंश्योरेंस एजेंट और आगे एजेंसी कोड लिखना है, इसके अलावा ब्रांच और डिवीजन लिखना है और इसमें जो संदर्भ दिया गया है उसमें दिया गया है डिविजनल ऑफिस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डू हर बी नॉमिनी अंडर सब सेक्शन 4 और सेक्शन 44 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। दोस्तों 1938 के सब सेक्शन 4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट्स होंगे उनको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया डेटेड 27/4/1972 को एक नोटिफिकेशन आया था जो गजट के रूप में आई थी हमारे भारत में और उस गजट में इस चीज को प्रकाशित करी गई थी। दोस्तों मैं कॉलम नंबर 2 की तरफ आया हूं, इसमें ये लिखा गया है इन केस द साइड नॉमिनी नॉमिनेटेड ऑफ कॉलम 3 बिलो शैल बी डाई ड्यूरिंग द माय लाइफ टाइम देन आई अपॉइंट द पर्संस हु नेम इज आर सेट आउट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव नॉमिनी। दोस्तों यहां पे इस बात को कहा गया है कि हमारा सबसे पहले नॉमिनी जो हम कॉलम नंबर 3 में दे रहे हैं हमारा प्रथम नॉमिनी ये रहेगा और अगर हमारा प्रथम नॉमिनी के साथ में जो हमारे जीवन काल में अगर कुछ हो जाता है तो अल्टरनेट नॉमिनी का ऑप्शन जो मैं दे रहा हूं जो कॉलम नंबर 5 में है उनको हमारा नॉमिनी मान लिया जाए। इसके साथ में आपको क्या क्या बेनिफिट देने के लिए प्रॉमिस आप कर रहे हैं उनको वो मैं दिखाता हूं। सेक्शन 1 में दिखाया है टू रिसीव आई ड्यूज, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएटी का पेमेंट जो आपका आएगा, टर्म इंश्योरेंस का क्लेम जो आएगा, अमाउंट एंड ऑल कमीशन पेबल ऑन डेथ एंड देयर आफ्टर, ये आपको ये सारा बेनिफिट आप नॉमिनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 में आएगा सेपरेट नॉमिनी फॉर डिफरेंट ड्यूज, जिसके अंदर आप कुछ सेपरेट नॉमिनी को भी आप दे सकते हैं जिसमें कि ग्रेजुएटी, टर्म इंश्योरेंस, क्लेम अमाउंट एंड ऑल कमीशन पेबल एट डेथ एंड देयर आफ्टर, ये आपको इस नॉमिनेशन फॉर्म में डिक्लेयर करना है। दोस्तों ये नॉमिनेशन फॉर्म आपको भर के सिग्नेचर करके जहां पे एजेंट का सिग्नेचर है और साथ में एक विटनेस का सिग्नेचर भी करके जो सामान्यता हमारे अधिकारीगण एबीएम सेल्स और
ब्रांच मैनेजर साहब होते हैं उनसे भी इस साइन करा करके आपको इमीडिएट इफेक्ट के द्वारा इसको अपडेट कराना है। दोस्तों एक भाई का, एक बंधु का, एक सखा का, एक मित्र का आपसे प्रार्थना है इस काम को जितना जल्दी हो सके आपको करवा के चेक कर लेना है। दोस्तों ये एक इस तरह की पेपर है जो आपके होते हुए तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही आप और हम नहीं होंगे ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट आपके प्रतिरूप में काम करेगा, आपका जीता जागता एक रूप हो जाएगा, आपकी सारी इनकम, सारी बेनिफिट, सारी जो भी बेनिफिट कॉर्पोरेशन से मिलने हैं सब यथावत आपके नॉमिनी को निसंकोच मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं, अगर आपको नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं मिल रहा है, दोस्तों एक भाई होने के नाते आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना विजिटिंग कार्ड या आई कार्ड शेयर करें, हम निश्चित तौर पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कोई चार्जेज नहीं लिए जाएंगे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉमिनेशन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये नॉमिनेशन फॉर्म आप भर के यथाशीघ्र अपने ब्रांच को जमा करेंगे, जिससे आप इस बात से संतुष्ट हो पाए कि आपने अपना नॉमिनी अपनी एजेंसी में नॉमिनी तो कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में आपसे निवेदन रहेगा, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की।